नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जसवी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम चर्चा करते हैं कि न्यू वैकेंसी अंशकालिक युग प्रशिक्षक निकली है, पुरुष और महिला है तो अभ्यर्थी, अर्थात इसमें पुरुष और महिला दोनों ही प्रतियोगी छात्र फार्म फिल कर सकते हैं। तो आइए इसको हम डिटेल में आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी मिर्जापुर, अंशकालिक युग प्रशिक्षक पुरुष और महिला अभ्यर्थी। इसमें जो इसका प्रारूप है वो आपको वेबसाइट है mirzapur.nic.in, इस पर जाके आपको क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड जैसे ओपन करेंगे, इसी में इसका प्रारूप नियम और शर्तें सारी चीज़ इसमें आपको दिखाई दे दी देगी और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसका जो साक्षात्कार है वो 24 सितंबर को है, यानी इसी 24 तारीख को, और जो टाइमिंग है 11 AM है। और इसके बाद किसी भी प्रतियोगी छात्र को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें प्रारूप नहीं मिला, नियम शर्तें नहीं समझ में आ रहा है, कि अब हमको फार्म इसको सबमिट करके भेजना है कि इंटरव्यू लेके आना है अपने सब डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार से जो नंबर है 9411303789 पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं कि हमें किस कोई दिक्कत है, समाधान इस पर हो जाएगा। ये जो वैकेंसी 1 तारीख को निकला था, 1 से 15 तक इसका समय है, आप इसको डाउनलोड करके इसको देख लीजिए क्या इसमें प्रारूप है क्या नहीं है, कोई दिक्कत हो मोबाइल नंबर बता सकते हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत रजक, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी मिर्जापुर। आइए आप यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के स्थानांतरित संख्या पूरा दिया गया है विज्ञप्ति। यहाँ पद का नाम जो है प्रशिक्षक पुरुष अंशकालीन, कार्मिक की जो संख्या है 13 पुरुष है, और नियुक्ति की जो अवधि है 1 वर्ष के लिए है। ये योजना आयुक्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, अतः आगे की अवधि का निर्धारण आयुष मंत्रालय से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका जो शैक्षिक योग्यता है अनुभव है आप देख सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में 5.5 वर्षीय कोर्स बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस डिग्री धारक, अर्थात BA 3 वर्षीय डिग्री धारक योग में, BSc योग 3 वर्षीय धारक, MA योग या MSc योग, यानी जो भी कोर्स है उसमें आपका योग का ही डिप्लोमा आपको लगाना है, अनुभव 1 वर्ष। इसके बाद जो है PG डिप्लोमा न्यूनतम 1 वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा धारक, अनुभव 2 वर्ष का होना चाहिए। और इसके बाद जो योग्यता है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड नई दिल्ली द्वारा योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर प्रमाण पत्र धारक, अनुभव 1 वर्ष, यानी कि जो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है वो योग की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। इसका वेतन देख सकते हैं, जो पारिश्रमिक प्रतिमा एकमुश्त वेतन है 8,000 प्रतिमा इसका वेतन यहाँ देख सकते हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम जो है रामपुर, पथरी, चुनार, पथरेरा, सिरमा, छोटा मिर्जापुर, जमुई, कोलना, भैंसा, बरौदा, मुतबार मिर्जापुर, बनैता, दामोदरपुर, मिर्जापुर। और वही देखते हैं ये प्रशिक्षक महिला अंशकालीन जो है वो यहाँ पे जो दिया है इनका वो 11 महिला पोस्ट है, और इनका जो वेतन है वो 5,000 है, यानी कि पुरुषों का वेतन 8,000 है, महिलाओं जो वेतन है वो 5,000 है। और सामान्य निर्देश दिया है, आप निर्देश एकदम आराम से डिटेल में देख सकते हैं। योग प्रशिक्षक पुरुष को 8,000 एवं महिला प्रशिक्षक को 5,000 रुपया एकमुश्त मासिक दिया जाएगा। आवेदन पत्र नियम सर दिनांक 1/9 से 15/9 के अपराह्न 6 बजे तक mirzapur.nic.in से डाउनलोड किया सकता है, यानी कि आप 15 तारीख के बाद सोचे कि हम डाउनलोड करें तो नहीं हो पाएगा। 15 तारीख के अंदर रात 6 तारीख है, अभी समय आपके पास बहुत है, आप जाके mirzapur.nic.in पे इस फार्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद डाउनलोड नहीं हो पाएगा। यानी इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं क्या प्रारूप है क्या नहीं, पूरा आपको डिटेल क्लियर हो जाएगा। साक्षात्कार दिनांक 24 सितंबर को 11 बजे से विकास भवन मिर्जापुर सभागार में आयोजित होना है, यानी 24 को 11 बजे से विकास भवन मिर्जापुर में आपका इंटरव्यू होगा। तो आइए देख लें इसके आगे के अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर, अभ्यर्थी अपना आवेदन पूर्णतया भरकर समस्त मूल अभिलेखों की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए अपने समस्त मूल अभिलेख साथ में लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी नियत दिनांक तिथि को साक्षात्कार हेतु केंद्र पर समय 9 बजे आपको 9 बजे सुबह आपको वहाँ उपस्थित दर्ज की जानी है। भले ही इंटरव्यू 11 बजे होगा लेकिन आपका जो प्रमाण पत्र है उसको इकट्ठा किया जाएगा। योग प्रशिक्षक अंशकालीन की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर आपकी यदि सेवा में आ गए और सेवा आपकी संतोषजनक नहीं है तो 1 महीने के अंदर आपको निकाल सकता है उससे। अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता संबंधी निर्धारित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जात प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र की 1-1 हस्ताक्षरित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित डिग्री प्राप्त करने के उपरांत का ही मान्य होगा। दिनांक 1 जनवरी से को आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक किसी भी उम्र का हो सकता है। स्वस्थ एवं 65 वर्ष तक के
अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यानी आपकी एज हर हाल में 21 वर्ष 1 जनवरी को होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति ने पिछड़े वर्ग के शासन द्वारा निर्गत समय समय पर समादेश के अनुसार युग प्रशिक्षक के अवधिकरण में आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा, परंतु प्रार्थना पत्र न मिलने की दिशा में उपलब्ध उपयुक्त अभ्यर्थियों की अवधिकरण किया जाएगा। युग प्रशिक्षक द्वारा चयनित होने के उपरांत 15 दिन के अंतर्गत अबधिकृत हेल्थ वेलनेस सेंटर पर अनुमत करते हुए कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित योग प्रशिक्षक का चरित्र सत्यापन कराया जाएगा और यदि योग प्रशिक्षक अंशकालीन बिना किसी विशेष कारण के और बिना सूचना के अपने कर्तव्य से 1 हफ्ता से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी भर्ती रद्द की जा सकती है। अभ्यर्थी दो लिफाफा जिस पर 27 रुपये डाक टिकट लगा हुआ हो, कुछ लिफाफा का मुँह खुला एवं पत्र व्यवहार का पता लिखकर आवेदन पत्र संलग्न करे। यानी आपको अभ्यर्थी दो लिफाफा 27 रुपये का टिकट लगा हुआ आपको ले जाना है, लिफाफे का मुंह आपका खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बंद करके दें और उस पर आप अपना अपना पता जरूर लिखें, क्योंकि नियुक्ति होने के बाद उसी एड्रेस पे आपको भेजेंगे वो सब। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त मिर्जापुर मंडल मिर्जापुर का निर्णय ये मान्य होगा। समय समय पर जारी निर्देशानुसार अन्यकार आवेदन पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। योग प्रशिक्षक महिला समूह के लिए प्रति सत्र न्यूनतम 1 घंटे के साथ 20 योग कक्षाएँ आयोजित करनी होंगी। तो इस प्रकार से आपको डिटेल में बता दिए। जो भी प्रतियोगी छात्र इच्छुक हो मिर्जापुर जनपद से फार्म भरने के लिए, वो mirzapur.nic.in पर जाके फार्म डाउनलोड करके और नियत तिथि पे 24 सितंबर को अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ 2 लिफाफा में डाक टिकट के साथ वहाँ 9 बजे विकास भवन में उपस्थित हो जाए और इंटरव्यू दे सकता है। और जैसा होगा उसको लेटर के माध्यम से जवानी की पुष्टि हो जाएगी। वेतन इसका 8,000 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 5,000 है। तो अभी ये मिर्जापुर वैकेंसी निकली, हो सकता है कि भी यूपी के कई ज़िलों में निकले, क्योंकि योगा का जो कोर्स है वो विगत कई सालों से कराया जा रहा है। जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं तब से योगा को काफ़ी वो दिए हैं और योगा का कोर्स स्टार्ट हो गया है, हर ज़िलों में चल रहा है। आप लोग को योगा को यदि योगा को कोर्स करना हो तो मिर्जापुर में सालभर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप कमेंट करके यदि चाहें तो कमेंट कर देंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ कितनी फीस कितनी नहीं है। जो भी इच्छुक भर्ती हो योगा कोर्स करने के लिए आपका 10-12 हज़ार जो भी फीस है उस हिसाब से बता देंगे आपको, आप कोर्स कर सकते हैं मिर्जापुर सालों कोचिंग में। तो दोस्तों जो भी इच्छुक हो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।